वेडिंग एनिवर्सरी पर रणवीर ने दिया अपनी पत्नी आलिया को लाखों का गिफ्ट। कीमत सुनकर होंगे हैरान, आखिर ऐसा क्या दिया तोहफे में, चलिए जानते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं कोमल और आप अपना चैनल देख रहे हैं फीफा फोर्स। जैसा कि हम सभी को पता है कि बॉलीवुड के नंबर वन कपल रणवीर कपूर और आलिया भट्ट ने 14 अप्रैल को अपनी पहली वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट की। जहां आपको बता दें कि रणवीर हैं जो आलिया को खुश करने के लिए लंदन से अपनी शूटिंग को छोड़कर मुंबई के लिए रवाना हुए, जहां मुंबई एयरपोर्ट पर उन्हें नोटिस किया गया और इसी के साथ दोनों पैपराजी के सामने भी मस्ती करते हुए नजर आए। और इसी दौरान आलिया रोमांटिक अंदाज में नजर भी आई रणवीर के साथ, जहां रणवीर को किस करते हुए भी नजर आई। रणवीर और आलिया बिल्कुल सिंपल आउटफिट में अपनी पहली वेडिंग एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करते हुए नजर आए। लेकिन गौर करने वाली बात यह है, हर किसी को जानना है कि आखिर रणवीर ने अपनी पहली वेडिंग एनिवर्सरी पर आलिया को क्या तोहफा दिया। तो आपको बता दें कि रणवीर जब लंदन से यहाँ पर मुंबई आए तो उनके हाथ में एक बैग देखा गया जो कि शनैल का था। और इसी के साथ फैंस ने कमेंट करना भी शुरू कर दिया कि शनैल का तोहफा मिल रहा है आलिया को। इस तरह के जहां कमेंट्स आए, तो वहीं इसी बीच आलिया के हाथ में शनैल का पर्स भी देखा गया। पिंक कलर का पर्स उनके हाथ में नजर आया, जहां ये देखकर फैंस हैं जो अजम्पशन करने लग गए कि ये तो सही निकला, शनैल का बैग दिया है रणवीर ने अपनी पत्नी आलिया को। और इसकी कीमत जब पता चली तो इसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, रिसर्च किया गया तो इस जो बैग की कीमत है 10,06,616 रुपए इसकी कीमत है। इतना महंगा तोहफा रणवीर ने अपनी पत्नी आलिया को दिया है पहली वेडिंग एनिवर्सरी पर, जिसे देखकर आलिया भी काफी खुश नजर आई और उसी बैग के साथ स्पॉट भी हुई थी। अब ऐसे रणवीर और आलिया काफी खुश नजर आते हैं। वहीं आपको बता दे कि रणवीर एक दिन के लिए मुंबई आए थे। दरअसल वो अपनी एनिमल फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं लंदन में, जहां लंदन से वक्त निकाल कर आलिया के लिए मुंबई पहुंचे और अब वो वापस से अपने काम में बिजी हो चुके हैं। फिलहाल क्या कहना है इस तोहफे पर आपको, आपका क्या मानना है आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। टीवी की दुनिया की खबरों को जानने के लिए, बॉलीवुड की खबरों को जानने के लिए, चटपटी गॉसिप्स को जानने के लिए चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।